मॉर्निंग, आज है 14 जून और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं जा रहे हैं स्कूल। वो बोल रहे थे कि हेलो बोल दो। मेरा स्कूल साथ में हो जाता है। हाँ, और लोग अभी जैसे अभी मैं नीचे आऊँगा ना, यही तो ड्रेस पहन के जाते हैं। कहाँ का है ये? तो बने रही ब्लॉग में। और ले जल्दी आकर आकर वाह। तो यहाँ टीवी को कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, कनेक्शन लूज है, पता नहीं क्या है। मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो ऐसा था उसमें कि इसका अगर आईसी उड़ जाता है तो भी ऐसा होता है, इसका अगर कनेक्शन लूज हो तो भी ऐसा होता है। तो मैंने सामने रवि भाई को बोला है, अभी देखते हैं, इसका वायर भी चेंज करके देखते हैं कि ये ठीक कैसे होता है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं पापा लगभग 40-42-45 साल बाद वापस वो पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो एज ए आर्ट थेरेपी भी, क्योंकि उनको आप लोग जैसे पिछले साल देखा होगा उनको पैरालिसिस अटैक आया था, तो अभी काफ़ी ठीक हैं। बट जो लेफ्ट साइड जो उनका सूनापन अभी तक गया नहीं है। और आप लोगों को अगर उसके बारे में कुछ पता हो कि कहाँ दिखाना चाहिए एकदम अच्छे हो जाए उसके लिए, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। क्योंकि जो एक बार लेफ्ट साइड का उनका पूरा पैरालाइज्ड है, राइट साइड में कान के पीछे ब्रेन में एक नस वो हुआ था डैमेज, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गए। तो हमने कई सारे जगह दिखाया, एम्स में दिखाया, पहले से तो बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं। डॉक्टर अंकिता ने उनको फिजियोथेरेपी के ज़रिए चलाना सिखाया, तो वो काफ़ी बेहतर हैं। पर पहले की तुलना में नॉर्मल जैसे वो तो अब मेरे ख्याल से बामुश्किल होते हैं कोई पैरालाइज्ड हो तो, बट फिर भी काफ़ी एक्टिव हैं पापा। और ये आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने एक कैनवास शुरू किया है, एक्रेलिक में एक लैंडस्केप उनको बनाना था तो उन्होंने शुरू किया है। और बस हमने सोचा कि कुछ शूट किया जाए, तो उनको अच्छा लगता है ये सब। हम लोग जब घर पे थे तो हमारे शूट किए हुए वीडियो देखते रहते थे और मज़ा आता था उनको। आर्या नायक को ऐसे ही बड़े होते उन्होंने देखा, और उधर पापा कर रहे हैं, इधर हम अपने में काम में लगे हैं। हम अपने काम में भी वाटर कलर में बेस रेडी कर रहे हैं, और मोस्टली जो काम शो के लिए हमने भेज दिया है तो बस उनको पैर में झिंझनाहट काफ़ी होती है। और पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही थी, फिर एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही थी, फिर होम्योपैथी भी चल रही थी, सारी चीज़ें बीच बीच में एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी उन्होंने लिया, लेकिन मैंने बोला कि बीपी और शुगर की दवाई बिल्कुल बंद नहीं करना, बाकी जो भी चीज़ें हैं जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ दिखा दो तो हम वो दिखा देंगे। तो आज का उन्होंने फर्स्ट डे उन्होंने ये इतना कैनवास किया। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं बारिश न्यूज़ में खूब आ रहा है, विपर्जय तूफान का, तो बच्चे लोग खूब सबसे थोड़ी क्या लोगे तुम? हवाएं अच्छी चल रही हैं। और यहाँ आर्या, आयांश और द्विज तो अभी से स्कूल जाने लग गया है। यहाँ तीनों खेल रहे हैं, हमारे फ्लोर पे ही सब आजू बाजू में ही हैं। कौन बैठा था 15 साल से? आर्या को वो देना नहीं है, इसके लिए वो उठा के वो साइड में पीछे कर रही है। और जैसे कि आपने देखा था कैनवास मैंने स्टेज कर दिया और उसको अब मैंने वॉल पे लगा दिया। और इतने सारे जगह इकट्ठा मेरे पास नहीं है कि मैं इसलिए वॉल पे डायरेक्ट लगा के मैं इसको डायरेक्ट वहाँ पे कलर कर रहा हूँ। एक प्रॉपर स्टूडियो की आवश्यकता है, देखते हैं अभी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, हर चीज़ एक साथ नहीं होता है। मुझे तो ऐसा स्टूडियो चाहिए जहाँ पे अगर 40 फीट का भी काम हो तो मैं सीधे लगा सकूँ और पूरा खुल के उस पर काम किया जा सके। देखेंगे इन फ्यूचर, एक सपना है बहुत बड़ा स्टूडियो करने का, जैसे फॉरेन में आर्टिस्टों के पास होता है, उनके
सेटअप पूरा, तो वो बाद की बात है। अभी जो भी परिस्थिति है उसमें जैसे आपको काम करना है, बस आपको काम करने से मतलब होना चाहिए। तो बस थोड़े थोड़े ब्रेक के अंतराल में हमने ये काम किया हुआ है। होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और हम चाहेंगे कि YouTube परिवार में जो मेंबर्स बढ़ रहे हैं वो अपने घर के एक दो मोबाइल से व एक दो मेंबर्स को या अपने परिवार जनों से दूसरों से शेयर कर सकते हैं। यहाँ परेश भाई आकर देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है काम। तो होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर परिवार इस यूट्यूब परिवार को बढ़ाते रहिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों से शेयर करते रहिए। और फिर कल एक मुलाकात नहीं होती है, आज के लिए गुड नाइट।